नमस्कार, न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं रुजा शर्मा। संगठन में फेर बदल करने के बाद, बीजेपी को आंख दिखाने के बाद नीतीश कुमार सीधे पहुंच गए हैं जेडीयू कार्यालय। तस्वीरें हम आपको जेडीयू ऑफिस के दिखा रहे हैं, जहां पर देखिए नीतीश कुमार अभी जेडीयू कार्यालय पहुंचे हैं। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार काफी एक्शन में नजर आ रहे हैं, बीजेपी को लेकर सख्ती बरतते दिख रहे हैं। क्योंकि इससे पहले जब राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई, बैठक में भी नीतीश कुमार ने कई बातें कही और इन सब के बीच जेडीयू का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बनाया गया। हालांकि इन सब मामलों के बीच नीतीश कुमार ने कहा कि मैं तो मुख्यमंत्री बनना नहीं चाहता था, मेरे अंदर कोई लालच नहीं है, कुर्सी को लेकर कोई मोह नहीं है, ये तो बीजेपी का दबाव था कि बीजेपी के नेताओं के कहने के बाद मैं मुख्यमंत्री बना। इसके साथ अरुणाचल प्रदेश के मुद्दे पर भी उन्होंने खूब कहा, उन्होंने कहा कि इस मामले को कभी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके साथ केसी त्यागी ने भी कहा कि ये बिल्कुल सही नहीं हुआ है, जो भी हुआ है वो राजनीतिक महत्वाकांक्षा को लेकर हुआ है और वो गलत है, जवाब दिया जाएगा। तो ये बातें सामने आ रही थी कि अब नीतीश कुमार भी बीजेपी से तल्खी बढ़ा चुके हैं और कहीं ना कहीं उन्हें जवाब देने की पूरी प्लानिंग भी हो रही है। खबर ये भी कि अरुणाचल प्रदेश में जो राजनीतिक घटना हुई, उसका जवाब देने के लिए नीतीश कुमार ने प्लान बना लिया है और इस प्लान के तहत पश्चिम बंगाल में वो इसका जवाब देंगे। तो लगातार बिहार की सियासत के इर्द गिर्द ये बातें घूम रही है, लेकिन इन सब के बीच अब नीतीश कुमार भी बीजेपी को लेकर एक्शन में दिख रहे हैं। ये बांगी तब देखने को मिली जब कल राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के बाद नीतीश कुमार पूरे फॉर्म में नजर आए और एक के बाद एक उन्होंने कई बातें कही। सिर्फ नीतीश कुमार नहीं बल्कि आरसीपी सिंह ने जो बातें कही, उससे भी कहीं ना कहीं ये स्पष्ट हो रहा था कि अब जेडीयू बीजेपी को आंख दिखाने की कोशिश कर रही है, अब जेडीयू बीजेपी के हर पलटवार का जवाब देने की कोशिश कर रही है और अब बीजेपी को उनके अरुणाचल प्रदेश में जिस तरीके से मामला सामने आया, उसके बाद बीजेपी को टक्कर देने की तैयारी में जेडीयू जुट गई है। तो इन सब के बीच आज नीतीश कुमार जिस तरीके से पार्टी ऑफिस पहुंचे, ऐसे में ये बड़ी बात कही जा रही है। और से कहा जा रहा है कि आज नीतीश कुमार कुछ और बातें भी कह सकते हैं, कोई बड़ा एक्शन भी उनकी तरफ से लिया जा सकता है, क्योंकि कल राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई, बैठक में उन्होंने जिस तरीके से अपनी बातें रखी, बैठक के बाद आरसीपी सिंह का प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया, आरसीपी सिंह ने भी अरुणाचल प्रदेश के मुद्दे पर बहुत कुछ कहा और इसके साथ केसी त्यागी जो कि पार्टी के महासचिव हैं, उन्होंने भी अपनी बातें रखी और सरासर इसे गलत करार दे दिया। तो जिस तरीके से जेडीयू के तमाम वरिष्ठ नेता इस घटना की, इस अरुणाचल प्रदेश में जिस तरीके से जेडीयू को तोड़ा गया बीजेपी की तरफ से, उसकी निंदा कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ये बिल्कुल गलत है, इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो जिस तरीके से ये बातें सामने आ रही है, ऐसे में ये स्पष्ट है कि नीतीश कुमार बीजेपी के खिलाफ बड़ा एक्शन ले सकते हैं। और क्योंकि नीतीश कुमार सिर्फ इसलिए जाने जाते हैं कि वो हर एक सेकेंड में कुछ भी कर सकते हैं, उनके हर मीटिंग में कुछ नया निकल के सामने आता है, ऐसे में इस बात के कयास लगाए जा रहे हैं कि आज आनंद फानन में जब वो जेडीयू ऑफिस पहुंचे हैं तो बीजेपी के खिलाफ कोई बड़ा एक्शन लिया जा सकता है। फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहे हमारे साथ और देखते रहे न्यूज़ फाउंडेशन। नमस्कार।